हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज आपके साथ में शेयर करेंगे इडली की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल है और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है तो चलिए फिर रेसिपी शेयर करते हैं तो यहाँ पर जो है हमने इडली बनाने के लिए ओट्स लिए हुए हैं ये हमारे मसाला ओट्स हैं आप सादे वाले जो होते हैं वो भी ले सकते हो तो इसमें ना मटर भी जो है पड़े हुए होते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है एक कप के लगभग जो है हमने ओट्स लिए हैं इन्हें हमें जो है मिक्सर जार में डालकर थोड़ा सा एक दो सेकेंड के लिए हमें चला देना है तो यहाँ पर जो है मिक्सर जार में डाल देंगे और एक दो सेकेंड के लिए ही चलाना है इतने में जो है अच्छे से हो जाएगा तो यहाँ पर जो है हमने ओट्स पीस लिया है दो बार हमने जो है चलाया था दो बार में ही अच्छे से पीस गया था ये ना वैसे मसाला ओट्स होता है वैसे भी ये जो है पिसा हुआ आधा होता है तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी ये पिस जाता है तो इसमें जो है हम पानी डालेंगे आप दही का भी यूज कर सकते हो पर इसमें जो है हम पानी डालेंगे पानी डालकर हमें इसका घोल बना लेना है और हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि सारे मसाले जो है इसमें पड़े हुए हैं अगर आप चाहो तो हल्दी डाल सकते हो वैसे तो नमक ना भी इसमें होता है तो हमने जो है बस इसको इसी तरह से बस इसका घोल बना लिया है आप दही से अगर इसका घोल बनाना चाहते हो तो जो है दही डाल दीजिए तो यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह से गोल इसका बना लिया और इसे हमें जो है रख देना है पाँच मिनट के लिए रख देना है पाँच मिनट में जो है अच्छा हो जाएगा फूल जाएगा फिर उसके बाद में जो है हम इसकी इडली बनाएंगे तो यहाँ पर जो है पाँच मिनट हो चुके इसमें हमने बीच में थोड़ा पानी भी डाला हुआ था क्योंकि काफ़ी गाढ़ा हो गया था तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक चुटकी के लगभग इनो डाल देंगे इनो डालकर हमें इसको चला देना है उसके बाद में तुरंत ही हमें जो है इडली स्टैंड में इसको डाल देना इनो आप पहले से मत डालिएगा जब आप बनाने चलो तभी डालिएगा तो यहाँ पर जो इनो डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर हमने इडली स्टैंड लिए हैं उसमें हमें जो है थोड़ा सा तेल लगा लेना है तेल आप कोई भी लगा सकते हो यहाँ पर जो हम रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो हमने तेल लगा लिया है अब जो हम इसमें जो बैटर हमने बनाया हुआ था वो हमें डाल देना है इसमें तो यहाँ पर जो हमने डेढ़ चम्मच के लगभग जो है डाला हुआ था तो इसमें भी जो है हम डाल लेते हैं और यहाँ पर जो है हमने भगवान में पानी रख दिया था उसमें जो हमने इडली स्टैंड रख दिए हैं दस से पंद्रह मिनट जो है हमने पका लिया है मीडियम गैस पर तो यहाँ पर जो इडली हमारी पक चुकी हैं तो अब जो है हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये थी हमारी ओट्स की इडली रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यहाँ पर ना हम चम्मच से जो है इस तरह से निकाल लेंगे और ये ना बहुत ही हेल्दी हैं अगर आप कुछ अच्छा और हेल्दी खाना चाहते हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हो तो चलिए फिर इसे जो है हम फटाफट से निकाल लेते हैं और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट करके बताना और एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा बहुत ज़्यादा सिंपल है